धन्यवाद श्री मनोज सिन्हा जी। कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु, कुबेराय वै श्रवणाय, महाराजाय नमः। I now request Shri Parambir Singh Ji on be honored by His Holiness Shri Shri G. R. Swami. Shri Mate Ramanujaya Namaha. Ramanuja Munir Jiyat Rama Priya Pita Guruhu. इंद्रनील अमूल्यम्यो यादवाद्रो व्यदर्शयत् ओं नमो नारायणायेत्यनुसंधान तत्परः शेषो बोध्यो इतीन्द्राय तस्मै स्यात् नित्यमंगलम्। कृष्णायार्पितवत्यै स्यात् गोदायै नित्यमंगलम्। तस्मै रामानुजार्याय नमः। परमयोगिने यश्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अंतर्ज्वरमशीषमत्। हम सबको आज एक ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक पर्व दिन है, क्योंकि जगदाचार्य स्वामी रामानुजाचार्य का ये सिद्धांत ध्वज यहाँ से जगत पूरा ओहा। ನಲ್ಲಾ ನೀವು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಅರ್ಜುನ್ ಉತ್ತಮ್ ನಂಬಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿರೋಂಥವರು, ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಾನುಜರ ಕೃಪೆಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಯತಿರಾಜ ಜಿಯರ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಯದುಗಿರಿ ಯತಿರಾಜ್ ಮಠ ಸೇ ಜುಡೆ ಸಭಿ ಶ್ರದ್ಧಾಲುಗಣ, ಆರ್ಮಿ ಔರ್ जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सभी अधिकारी वर्चुअल मोड में जुड़े हुए सभी महानुभाव, मैं जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य जी के श्री चरणों में नमन करता हूँ। आज सरस्वती भंडारम डिजिटल लाइब्रेरी एवं श्रीमठ कश्मीर शाखा के शुभारंभ की सभी श्रद्धालुओं को मैं हृदय की अनंत गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूं। जम्मू कश्मीर के सर्वांगीण विकास एवं आध्यात्मिक विरासत के अनेक प्रयत्न पिछले कुछ वर्षों से हो रहे हैं। मैं मानता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण कड़ी उसमें आज जुड़ी है। पिछले वर्ष जुलाई में भारत के गृहमंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी ने श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य जी की शांति प्रतिमा का अनावरण किया था। आज डिजिटल लाइब्रेरी एवं मठ की कश्मीर शाखा द्वारा संस्कृति एवं अध्यात्म के ऊर्जा क्षेत्र शारदा पीठ के प्राचीन गौरव को पुनर्स्थापित करने, सनातन परंपरा के मूल्यों को सशक्त बनाने तथा स्वामी रामानुजाचार्य जी के दर्शन जीवन मूल्यों को वर्तमान से जोड़कर भावी पीढ़ियों को शांति, आदर्श एवं
प्रेरणा का अनंत स्रोत प्रदान किया गया है। मैं पूज्य स्वामी जी के प्रति अपनी ओर से और यहाँ उपस्थित सभी लोगों के की ओर से हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। स्वाभाविक रूप से शांति और आपसी सौहार्द का वातावरण यहाँ भी सुनिश्चित होता जा रहा है। राष्ट्र की एकता एवं सुरक्षा के प्रति नई सजगता सामान्य नागरिक में विशेष रूप से पैदा हुई है। भारत की सबसे अनमोल धरोहर संस्कार एवं सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक की चेतना में अब गौरव का भाव उत्पन्न हो रहा है। आम आदमी अपने सामाजिक जीवन स्तर को ऊंचा करने एवं राष्ट्रीय चरित्र को मजबूत बनाने में जुटा हुआ है। ऐसे दौर में स्वामी रामानुजाचार्य जी के भेदभाव रहित समाज पहुंचाने का दायित्व हम सभी पर है। वैसे तो जम्मू कश्मीर सदियों से सभी धर्मों का केंद्र रहा है, लेकिन अनेक दशकों तक भेदभाव और आतंक की वजह से सर्व धर्म संभाव के ताने बाने को काफी नुकसान पहुंचा। पिछले समय में एक ऐतिहासिक निर्णय देश की सरकार ने लिया और इसके कारण इस ऐतिहासिक परिवर्तन से एक बार पुनः विभिन्न विचारों की सरिता का प्रवाह फिर से प्रारंभ हो गया है। जन जन के कल्याण के संकल्प के साथ आज प्रगति की नई संभावनाएं लिए जम्मू कश्मीर आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक महायज्ञ का भी साक्षी बन रहा है। मुझे विश्वास है जीव और जगत के प्रति स्वामी रामानुजाचार्य जी का दर्शन इस विकास यात्रा में जम्मू कश्मीर का पथ प्रदर्शन करेगा। स्वामी रामानुजाचार्य जी ने तमाम चुनौतियों और कठिनाइयों को सहते हुए भी वंचितों शोषितों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का अत्यंत ही महत्वपूर्ण काम किया था। सर्व कल्याण के लक्ष्य के साथ महिला सशक्तिकरण तथा आदिवासी समुदाय के उत्थान पर भी उन्होंने बराबर बल दिया था। स्वामी जी के अनुसार सत्य का केवल एक दृष्टिकोण है, परमेश्वर अंगी है और जीव जगत उसके अंग हैं। स्वामी जी ने अपने अनमोल ग्रंथ श्री भाष्य द्वारा समाज सुधार को महत्वपूर्ण स्थान देकर संपूर्ण मानवता का मार्गदर्शन किया। उनका कश्मीर से अत्यंत ही गहरा और आध्यात्मिक संबंध था। श्री भाष्य की रचना करते वक्त ब्रह्म सूत्र पर लिखे बोधायन वृत्ति की पांडुलिपि प्राप्त करने के लिए वो स्वयं कश्मीर आए थे और जब श्री भाष्य की रचना संपन्न हुई तब दोबारा कश्मीर आकर के उन्होंने अपने सूत्रों और उसमें उल्लिखित संस्कारों को जनमानस को सौंपने का कार्य किया था।